कपड़ों पर कढ़ाई बुनाई करते हुए तो आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी पत्तों पर कढ़ाई करते देखा है? नहीं तो फिर ये देखिए। ये है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के मोहोज देवड़े गांव के सौरभ देवड़े। सौरभ खूबसूरत और अट्रैक्टिव हैंड एम्ब्रॉयडरी जैसी चीजें तैयार कर लोगों के पहनने और घर सजाने की चीजें बनाते हैं। बचपन से ही कढ़ाई बुनाई का शौक रखने वाले सौरभ ने फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में ही अपना करियर बनाने का सोचा। इसके लिए उन्होंने अहमदाबाद के एक इंस्टीट्यूट में टेक्सटाइल डिजाइनिंग में डिप्लोमा कोर्स किया। वहाँ पर सौरभ ने कशीदाकारी पर अपना हाथ बैठाया, प्रैक्टिस से अपनी कला को निखारा। अपनी कला को लोगों तक पहुँचाने का मौका सौरभ को तब मिला जब उन्होंने अपने सीनियर के एक वर्कशॉप के दौरान वहां पर अपना एक छोटा सा स्टॉल जमाया। अपनी माँ से 1500 रुपए उधार लिए, सुई धागा, सूती कपड़ा और हुप्स खरीदे। उन सामानों से कान के झुमके, गले का पेंडेंट और घर में सजाने वाले हुप्स तैयार किए और 2 दिन में ही सौरभ के सारे प्रोडक्ट्स बिक गए। इन प्रोडक्ट्स को बेचकर सौरभ ने 3500 रुपए कमाए। इस मुनाफे के बाद सौरभ ने सोशल मीडिया पर बी योर सौरभ के नाम से एक पेज बनाया और अपने प्रोडक्ट्स के फोटो शेयर करने लगे। तभी लॉकडाउन लग गया और सौरभ को अपने गांव वापस जाना पड़ा और वहीं से सौरभ ने पत्ते पर कशीदाकारी करने की शुरुआत की। पेड़ से गिरते सूखे पत्तों को कलेक्ट कर उस पर अपनी कला उकेरना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में वे माहिर भी हो गए। लोगों को भी उनका एक्सपेरिमेंट पसंद आने लगा और उनके पास ऑर्डर आने लगे। पहले महीने तो उनकी 8000 रुपए की कमाई हुई थी, जो आज बढ़कर हर महीने 86000 रुपए हो गई है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद सौरभ ने कुछ दिनों तक जॉब भी की, पर वो कहते हैं ना, आपका मन उसी काम में लगता है जो आपका दिल करना चाहता है। सौरभ के साथ भी यही हुआ। उन्होंने साल 2020 में अपनी नौकरी छोड़ दी और प्रोफेशनल लेवल पर अपने काम की शुरुआत की। तो अब सौरभ से सुनिए कि वे किन किन पेड़ के पत्तों पर कशीदाकारी करते हैं। जामुन लीफ ट्राई किया, चीकू लीफ ट्राई किया और फिर रिसेंटली मैं एक पेड़ के कॉन्टेक्ट में आया, उसका नाम है रबर प्लांट। उसका साइंटिफिक नेम फिकस इलास्टिका है। वो बहुत थिक होता है कंपेयर टू द जो हमारे नॉर्मल लीव्स होते हैं, उससे कहीं मोटा होता है। तो मैंने उसके ऊपर भी फर्स्ट बेसिक एम्ब्रॉयडरी किया और वो काफी अच्छा आया। उसके बाद मैंने सोचा कि ये बेसिक एम्ब्रॉयडरी छोड़ के हम उसके ऊपर क्या नया कर सकते, तो मैंने जो थ्रेड पेंटिंग होता है या फिर जो इंट्रिकेट वर्क होता है वो मैंने उसके ऊपर स्टार्ट किया और वो भी काफी अच्छा रिजल्ट आया उसका। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं, मैंने हमेशा उसके ऊपर कुछ नया ट्राई करने का सोचा और दिन ब दिन मेरा उसमें हाथ बैठता गया और अभी मैं लीफ के ऊपर कोई भी इंटीग्रेट डिजाइन में कर सकता हूँ। सौरभ को हर महीने 40 ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं और उनके एक प्रोडक्ट के स्टार्टिंग रेंज 400 रुपए से होती है। एक्ट्रेस तापसी पन्नू भी सौरभ की कलाकारी की फैन है। सौरभ के प्रोडक्ट्स तापसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर किए हैं। सौरभ ने लॉकडाउन के दौरान भी कई ऑनलाइन वर्कशॉप्स लिए हैं। अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने वाले सौरभ आज कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर आपके साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।